राहुल गांधी ने आज लाल किले से बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली पहुंचते ही सबको उनके भाषण का इंतजार था। राहुल के चाहने वालों के साथ साथ उनके विरोधी भी राहुल के भाषण का इंतजार कर रहे थे। राहुल ने एक बार फिर महंगाई, बेरोजगारी और देश में बढ़ती नफरत के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 108 दिनों का सफर पूरा कर लिया है। आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला। दिल्ली की जनता ने भी दिल खोलकर राहुल गांधी का स्वागत किया। जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। आज राहुल की एक झलक देखने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ राहुल को देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। लाल किले पर राहुल ने आज जोरदार भाषण दिया, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आज राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनकी यात्रा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार कमल हसन भी यात्रा में पैदल चले। कमल हसन और खड़गे ने राहुल के साथ मंच भी साझा किया था। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। यात्रा के दौरान राहुल ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इससे पहले उन्होंने आश्रम चौक पर जयराम आश्रम में सियाराम दरबार के दर्शन किए। राहुल ने एक बार फिर मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि हमारी बात ना उठाएं तो ठीक है, लेकिन इनके चैनल भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटे ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नफरत नहीं है। इस यात्रा में कोई गिरता है तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं सभी। यही सच्चा हिंदुस्तान है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।